वेलकम टू PBR स्टडी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। छात्रों, इसके पहले जो वीडियो आपको मिला था, क्लास मिली थी, उसमें आपने सम संख्या के बारे में पढ़ा था और विषम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आखिर ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनका क्या गुण प्रगुण होता है। जो भी छात्र DLED यानी कि BTC का फोर्थ सेमेस्टर का भी सितंबर वाला एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो गणित सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वेरी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। पहले इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इनका पॉइंट है उन्हें देखिए कि विषम संख्या का अंतिम अंक 13579 आदि में से कोई एक अंक होगा वो विषम संख्या कहलाती है। थोड़ा सा परिभाषा घुमा फिरा के लिखा, लेकिन आप समझ जाओ इतना कि वो संख्या जिसका लास्ट का अंक 13579 आदि, इनमें से कोई भी अगर एक अंक होगा तो वो विषम संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए इधर साइड में देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिस संख्या का अंतिम अंक इतने में से कोई एक अंक होगा वो विषम कहलाती है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, ये एक संख्या है, इसका लास्ट का अंक अगर अंतिम अंक हम देखें तो क्या है, 9 है, यानी ये क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इसमें कहा है कि 13579 में से अगर कोई भी एक अंक लास्ट का अंक मिलता है, इसमें से मैच खाता है, तो वो विषम संख्या है। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, हाँ, चाहे वो कैसी भी नंबर हो, लेकिन अगर उसका लास्ट का डिजिट देखें, ये क्या है, लास्ट का अंक क्या है, 3 है ना, इसमें देखो 3 है ना, यानी ये क्या, विषम संख्या है। ये परिभाषा होती है, परिभाषा तो कोई आम मतलब स्पेशल नहीं है, ये आम बात है, आप सभी जानते हो, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो स्पेशल है। विषम संख्याओं के गुण आप हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर विषम संख्याओं की विशेषताएं, भाई इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सभी याद रखना, ठीक है। चलिए लिखिए, विषम संख्याओं के की विशेषताएँ लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, गुण नहीं, हाँ, विषम संख्याओं की विशेषताएँ। देखिए, जैसे कि सम संख्याओं की विशेषताएं आपने देखा था, वैसे अब हम विषम संख्याओं की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है, ओके है ना। देखिए, नंबर एक, दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमेशा विषम संख्या होती है, बताना, कमेंट करके बताओ, विषम होती कि सम होती, जल्दी बताओ। विषम संख्या एक ऐसी पूर्णांक है जो कभी भी दो का गुणज नहीं होती है। देखो, समझो, पहला लिख लो, विषम संख्या कभी भी दो का गुणज नहीं होती, ठीक है। अब ये गुणज क्या है आप जानते हो कि नहीं, विषम संख्या जो है कभी भी दो का गुणज नहीं होती है। गुणज मतलब मल्टीपल, यानी कोई भी अगर आप विषम संख्या लोगे तो उसमें कभी भी बीच में दो नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने 14 लिया 14, तो इसमें देखो 2×7 है ना, क्योंकि ये सम संख्या, ये विषम नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक विषम संख्या लिया भैया 15, तो इसको 3×5 कर सकते हो, या 5×3 कर सकते हो, हाँ 5×3 भी कर सकते हो, 15×1 कर सकते हो, 1×15 कर सकते हो, लेकिन इसमें कहीं भी कभी भी दो नहीं आएगा मल्टीपल में, कहीं भी विषम संख्या में। कोई भी विषम संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, हाँ कोई भी संख्या ले लो, जैसे 27 ले लो, तो 27 में देखो 3×3×3 आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी दो नहीं आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विषम संख्या में इनका जो गुणज होता है वो कभी भी दो नहीं होता है। समझ में आ रहा ना, गुणनफल। तो इस तरह से ये इसका पहला गुण हो गया। इसके अलावा एग्जांपल इससे कुछ अलग भी हो सकते हैं, हटके आप उसे अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के मतलब समझिए जो टाइटल ऊपर लिखा गया है, ठीक है। अगला क्या है, यदि इन संख्याओं को दो से विभाजित किया जाता है तो हमेशा शेषफल बचता है, ये भी इनका क्या है, गुण है। लेकिन आप कहोगे ये तो कोई नया गुण है, नहीं, अभी नया भी बता रहा हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। दूसरा, विषम संख्याओं को यदि दो से विभाजित किया जाता है तो हमेशा शेषफल बचता है, और शेषफल कितना बचेगा ये कोई डिफाइड नहीं है, कुछ भी बच सकता है। जैसे मान लो कोई एक विषम संख्या है 63, अगर इन्हें हम दो से डिवाइड करें तो कितना होगा, 2×3 6, ये 0 आ गया, 3 उतार लिया, 2×1 2,
शेषफल एक आया, कितना आया वन। इस तरह से अगर आप 31 में भाग करोगे दो से, हाँ 31 में अगर दो से भाग करोगे तब भी वन शेषफल आएगा। तो शेषफल कुछ भी हो सकता है। आप ये जान लो कि अगर इन्हें दो से हम भाग करेंगे विषम संख्याओं को, तो हमेशा क्या आएगा, एक शेषफल जरूर आएगा। मतलब कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, एक नहीं कह सकते, शेषफल एक भी आ सकता है, 5, 7, 8, 9, 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आगे चलिए। हाँ ये हो गया। इसके अलावा इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टी है भैया, वो क्या है लिखिए। विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी। मतलब चोर चोर का जो कनेक्शन है ना, हमेशा ईमानदार बन जाता है। कैसे, देखो लिखो नहीं, तीसरा, विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होती है। जैसे देखो, एक विषम संख्या 3 है, एक विषम संख्या 5 है, दोनों 8 नंबर हैं, इनको जोड़ेंगे जो आएगा वो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी, एक इवन नंबर आएगा। एक विषम संख्या ले लो 19 और एक विषम संख्या ले लो 11, चाहे विषम कहो चाहे इनको अभाज्य भी बोल सकते हो, दोनों हैं, ये विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 आएगा। ये क्या, एक सम संख्या है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। ये दोनों विषम संख्याएं हैं, लेकिन जोड़ने के बाद जो आ रहा है योगफल, वो क्या, एक सम संख्या है। समझ में आ रहा है ना, यानी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या होती है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, 121 धन यहाँ पे 19 ले लो, चलो कितना हो जाएगा भाई, 19 है कि 20 हो गया, 140 ना, 140 क्या है, एक सम संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा एक सम संख्या होती है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी आगे भी पढ़ना है, जाना नहीं है कि बस हाँ बोल दिया तो भाग जाओ, नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिए। और हाँ, इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, ये लाइक करना आपका परम कर्तव्य है। और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं, कोई गंदा काम नहीं कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है। चलो अगला क्या है, विषम संख्याओं का घटाओ हमेशा एक सम संख्या होती है। ठीक है, ओके लिखो, विषम संख्याओं का घटाओ, घटाओ मतलब ऐसे लिख लो या फिर सब्सट्रैक्शन, हमेशा एक सम संख्या होती है। कैसे, आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से भी ट्राई कर सकते हो। किन्हीं भी दो आठ नंबर को आपस में सब्ट्रैक करो, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को आपस में घटाओ, घटाने के बाद आप देखोगे जो आएगा वो एक सम संख्या आएगी। जैसे मान लो 15 हो गया, 15 में से अगर हम 9 घटा लेते हैं कितना आएगा भाई, 9 × 6 = 15 ना, 6 आएगा, 6 क्या है, एक सम संख्या है। अगर मान लो मैंने 131 लिया, ये क्या एक विषम संख्या है, इसमें से मैंने एक विषम संख्या 31 घटा दिया तो 100 आ गया। यानी दो विषम संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो जो आएगा वो सम संख्या होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले लो, अपने मन से भी घटा लो भैया, 201 है, इसमें से 49 घटा लो बाबू, सम संख्या आएगी कि ना आएगी, घटा के देख लो। आप समझो कि अगर 201 से हम 50 घटाते तो कितना आता, 151 आता, लेकिन 49 घटा दें तो कितना आएगा, 150 आएगा। क्यों, सही घटाया हूँ क्या मैं, मुझे तो लग रहा गलत है, हाँ 49 घटाया ना, 152 आएगा ना। कैसे, देखो ऐसे भी देख लो, ये 11 में से 9 गया 2, ये कितना बचा है, 9 में से 4 गया 5, 152 आएगा ना। मतलब कि आएगा एक सम संख्या ही आएगी, लेकिन मुझे कुछ संकोच लग रहा था उस पर। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि किन्हीं भी अगर दो विषम संख्याओं को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो एक सम संख्या आती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। देखो भाई, ज़िंदगी बहुत फास्ट चल रही है आजकल, अगर आप भी जल्दी नहीं करेंगे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे, ज़माना बहुत आगे जा रहा है। अब लोग पैर से नहीं चलते हैं, हाँ आप लोग कैसे चलते हैं पता है, हवा में चल रहे हैं आजकल, हाँ हवा में उड़ रहे हैं। विषम संख्याओं का भाग एक विषम संख्या होती है, गुणन हमेशा एक विषम संख्या होता है। लिखो अगला, लिखो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक विषम संख्या होती है। क्या होती है, एक विषम संख्या होती है गुणनफल। कैसे, जैसे मान लो एक विषम संख्या मैंने ले लिया 17 और एक विषम संख्या मैंने ले लिया 5, तो 17 × 5 = 85,
भैया ये भी विषम संख्या थी, ये भी विषम थी, इनका गुणा करा तो जो आया वो भी एक विषम संख्या आई। ठीक है, इस तरह से कोई भी और भी नंबर ले लो। जैसे मान लो मैंने एक विषम संख्या ले लिया 33 और एक विषम संख्या 7 ले लिया, तो 7 × 21 हासिल 2, 7 × 21 = 2 = 23। 231 क्या है? एक विषम संख्या है। यानी यहाँ से ये भी सिद्ध हो रहा है कि दो जो विषम संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करने पर जो आएगा वो भी एक विषम संख्या होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये वीडियो नंबर 8 भी है, क्योंकि वीडियो नंबर 8 में स्टार्टिंग में पढ़ा था जो पुराना बैच चला था, तो उसी को हम अपडेट कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से, ढंग से। ये ठीक है, इस तरह से और भी एग्जांपल आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि कौन कौन सी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे तुम विषम संख्या देख रहे हो। और हाँ, अगर कहीं ऐसी मिल जाए कि दो विषम संख्या का गुणा करने पर कोई सम संख्या आ जा रही, तब ज़रूर बताना, फिर ये नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, अगला नियम लिखिए, भाग। दो विषम संख्याओं का भाग आप खुद ही बता दो क्या होता है। हाँ, जल्दी बताओ, दो विषम संख्याओं का भाग करते हैं तो क्या होता भाई? विषम होता है कि सम होता है? दो विषम संख्याओं का भाग एक सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है? देखिए, किन्हीं भी दो विषम संख्या को अगर आपस में भाग करते हैं, जैसे मान लो 17 हो गया और 17 को मान लो मैंने 5 से भाग किया, तो कितनी बार जाएगा भाई? 5 × 3 = 15 जाएगा ना? 5 × 3 = 15 जाएगा ना? क्यों, 5 × 20 नहीं जा सकता क्या? 3 × 12 भी जा सकता है। अब भाग करके देखो, फिर मुझे बताना कितना आएगा शेषफल, कितना आएगा? 2 × 5 = 15 शेषफल 2 आएगा ना? करके देख लो, विषम संख्याओं का भाग एक विषम संख्या होती है। क्या होती है? एक विषम संख्या होती है। मुझे लग रहा वीडियो बड़ा हो रहा है ना? इसमें और क्या क्या पढ़ाना है इसको भी कर लेना। ये विषम संख्या की परिभाषा हो गई। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है भैया? पूछा जाएगा तो बता देना। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 0 नहीं होती, 0 ना तो सम होती ना विषम होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, कंपाउंड नंबर, ये 2 अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, क्या होती है? 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2 होती है। हाँ, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये विषम है बस। इसे आप विषम बोल सकते हो लेकिन भाज्य अभाज्य नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, तो इसके अलावा और भी इसमें कुछ फैक्ट थे मैंने जो नोट किए थे आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हो गए। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा क्लास जिसे आपने देखा। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी विचार है आपके मन में, तो आप उसे कमेंट करके बताइए हमें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने पेश आएंगे। और हाँ, इस क्लास को शेयर करना ना भूलें भाई। ठीक है, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा अगर आपका परीक्षा नज़दीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, DLED BTC के स्टूडेंट हैं और आपका बैक वैक लग रहा है, काफ़ी टेंशन हो रही है, हाँ शादी वादी गड़बड़ हो जा रही है, BTC नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, टीचर नहीं बन पा रहे, तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए बेसिक मैथ का, हाँ, या फिर DLED का, जिससे कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाए और आप प्यार से पढ़ पाएँ। उसके लिए आप ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स, जिसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें सितंबर 2021 की 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में, तो आपको 30 डे के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा मात्र 299 में, और आप अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। 8-10 दिन में आप चाहें तो DLED का 4 सेमेस्टर आराम से ख़त्म कर सकते हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी, क्योंकि मैथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, कक्षा 8 लेवल तक का सारा मैथ है। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा था बचपन में गणित, एक बार ये कोर्स ले लेंगे तो आप 25 में 25 नंबर पा जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, केवल कोर्स लेने से 25 नहीं मिलेगा हो भैया, ना ना ना, पढ़ना पड़ेगा। कोर्स लेने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा कम से कम, अच्छे से, दिल से, तन मन धन से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस नंबर पर आप मैसेज लिख के भेजें,
ज्वाइन फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन याद रहे कि आपको ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो ना करें, निवेदन है आपसे, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। यूट्यूब पे रात के 10 बजे से ऐसे आपके लिए वीडियो आता रहता है, बेसिक मैथ का लाइव भी हम आते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है रात 10 बजे। सब्सक्राइब करके रखें।